हरि बल मुखो ऐसे रख तीरे, ऐसे रख तीरे जैसे कथा सुपारी बंगला पान रे। बल मुखो बल मुखो ऐसे रख तीरे, ऐसे रख तीरे जैसे कथा सुपारी बंगला पान रे। बलमो से ऐसी बिगरी रे, ऐसी बिगरी रे मोरी कतरी सुपारी ना खाए रे। बलमो से हो बलमो से ऐसी बिगरी रे, ऐसी बिगरी रे मोरी कतरी आहारे, मोरी कतरी आहारे, मोरी कतरी सुपारी ना खाए रे। बलमो से हो चने के साचे तो कड़े रे, और साचे तो कड़े रे भर मेला में गहलई मोरी बाहे रे। बचने के हो बचने के साचे तो कड़े रे, साचे तो कड़े रे भर मेला में कहलई मोरी बाहे रे। बचन के हो सकरात लमटेरा बम्बुलिया बाबा के गीत कई नाम है के। और चूंकि सकरात या लमटेरा के लोग जो प्राथमिकता पे गाया जाए सकरात को शिवरात्रि, चूंकि इनमें नर्मदा मैया को विशेष वर्णन हो तो भोलेनाथ को विशेष वर्णन हो, बाकी श्रृंगार वगैरह हम लोग आप लोग गा दे तो अलग बात है, लेकिन इनकी प्राथमिकता में दो चीजें हैं, शिवरात्रि और सकरात को गाया जाए और नर्मदा मैया और भोलेनाथ को वर्णन ज्यादा विशेष रूप से रहते हैं। इसे लाइन आई प्रेमी प्रेम का सोच रहे खड़े खड़े सकरात के टाइम पे काए बुढ़की ले चल ले, तो बोले देखो बताए, बोले बताए नहीं चलने को जैसी कई ओरे, और जैसी कई ओरे मोरो जीरा धरत नहीं आधीर रे। चलने को चलने को जैसी कई ओरे, और जैसी कई ओरे मोरो जीरा धरत नैया धीर रे। चलने को भोलेनाथ की बात आई देख लाइन आई इमरती के जल भरती रे, और जल भरती रे भोले बाबा हारे, भोले बाबा
ओ रे भोले बाबा हो देती चढ़ाए रे इमरती के इमरती के जल भरती रे चल भरती रे भोले बाबा हो देती चढ़ाए रे नर्मदा मैया की बात आई। एक नर्मदा मैया को एक विशेष महत्व है सकरात के टाइम में। सोनी जी क्या उपमा लिखी यार, कैसे तर सकते लोग तब साधन भी नहीं थे। नर्मदा मैया की बुड़की ले ली तो जन्म संगत्य आदमी का सफल होगा, साधन भी क्षेत्र में कर जाते एक हफ्ता पहले से लड़ुआ मड़ुआ बांध के और चार दिन बाद आप उत्ती लौट के पैदल पैदल। उस समय नर्मदा जी की लाने का लाइन लिखी, जैसी नर्मदा जी के लगा ढेक पे पहुंचे बुड़ किले में तो भगवान से प्रार्थना करियो का लाइन आई नर्मदा मैया ऐसे भेंटे रे ऐसे भेंटे रे जैसे भेंटे मताई और बाप रे नर्मदा मैया हो नर्मदा मैया ऐसे भेंटे रे ऐसे भेंटे रे जैसे भेंटे मताई और बाप रे नर्मदा मैया बहुत लंबी हो दो लाइन और सुना रहे सुनो आप मतलब सकरात जैसे हम हैं हमें बुंदेलखंड की सभ्यताएं अच्छी लगा लेकिन सकरात बहुत अच्छी लगा हमें और सेरो बहुत अच्छा लगा। सेरो गाय में बहुत अच्छा मन लगा था और सकरात गाय में बहुत अच्छा मन लगा। बाकी बुंदेलखंड में है विधाएं सब अच्छी हैं सब। अब देखो आप पहली बार जब लुआवे आए क्या लाइन लिखी किस समय किने लिखी हुई बलम की आवन तो सुनी रे सुनी के बिल्लू आप यार है खुशी देखो बलम की आवन तो सुनी रे और यावन तो सुनी रे कुएला पे बिसरे आई लेज रे रस्सी भूल गई इतनी खुशी है कि बिल्लू आ गया बलम की आवन तो सुनी रे और यावन तो सुनी रे कुएला पे बिसरे आई लेज रे सोनी जी अंतिम लाइन चाहे बिटिया की विदा हो रही हो तो बस उतर जा रही है ऐसी लाइन है मतलब अंदर से गाओ मुश्किल हो जाता चली जा रही बिटिया समाओ कहवे को मतलब सकरात में सब लिखे जाते सोचत जा रही बिटिया चली जा रही चिरैया जैसो मोरो जिए रे अरे मोरो जिए रे परदेसी उड़ाए ले जात रे चिरैया जैसो चिरैया जैसो मोरो जियरा रे मोरो जियरा रे परदेसी आहारे परदेसी आहारे परदेसी उड़ाए ले जात रे चिरैया जैसो चिरैया जैसो मोरो जियरा रे मोरो जियरा रे परदेसी उड़ाए ले जात रे
चिड़ैया जय सोने, चिड़ैया जय सोने।